अर्जेंटीना की टीम ने 28 साल बाद कोपा अमेरिका का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को 1-0 से मात दी। अर्जेंटीना के लिए एंजल डी मारियो ने खेल के 22वें मिनट में गोल दागा। वहीं इस हार के बाद ब्राज़ील का 10वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीतने का सपना भी टूट गया। हार के बाद ब्राज़ील के कप्तान नेमार की आंखों में आंसू भी देखने को मिला। लियोनेल मेसी को बेस्ट प्लेयर और टॉप स्कोरर का खिताब दिया गया। मेसी के इंटरनेशनल करियर का यह सबसे बड़ा खिताब है। कोपा अमेरिका 2021 के फाइनल में दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। खेल के 22वें मिनट में एंजेल डे मारिया ने गोल कर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद खेल के आखिर तक दोनों ही टीमें कोई और गोल नहीं कर सकी। अर्जेंटीना ने यह मुकाबला 1-0 से जीत लिया। इस जीत के साथ ही लियोनेल मेसी का बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। मैच के दौरान ब्राज़ील की टीम को दो मौके भी मिले, पर अर्जेंटीना के गोलकीपर ने बेहतरीन डिफेंस किया। मैच में गेंद पर नियंत्रण की बात करें तो ब्राज़ील की टीम के पास 60% गेंद का नियंत्रण था। ब्राज़ील की टीम ने जहां 13 शॉट लगाए जिसमें 2 लक्ष्य पर था, वहीं अर्जेंटीना की टीम ने सिर्फ 6 शॉट लगाया जिसमें 2 लक्ष्य पर था। ब्राज़ील की टीम को 4 कॉर्नर मिले, वहीं अर्जेंटीना को सिर्फ 1 कॉर्नर मिला। कोपा अमेरिका 2021 में 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। अर्जेंटीना ने उरुग्वे के नाम सबसे ज़्यादा 15 बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। दोनों ही टीमों ने अब तक 15 बार यह खिताब अपने नाम किया है। ब्राज़ील ने 9 बार और पेराग्वे, चिली और पेरू की टीमों ने 2-2 बार कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता है। खेल जगत और अन्य लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।